कंगना पर सुप्रिया सुनेत की विवादित पोस्ट पर सियासत जारी, दिल्ली में नड्डा से कंगना की मुलाकात। सोशल मीडिया पर कंगना के अपमान पर महिला आयोग ने खटखटाया चुनाव आयोग का दरवाजा, चुनाव आयोग से की शिकायत। कंगना पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत की विवादित पोस्ट के खिलाफ बीजेपी चुनाव आयोग पहुंची, दर्ज कराई गई शिकायत, बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। देखिए कांग्रेस का चरित्र ये रहा कि कांग्रेस हमेशा ऐसा करती है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि महिला के साथ दूज के अवसर पर कांग्रेस के लोग ये कर रहे हैं। ये कांग्रेस भले ही करे लेकिन जनता सब देख रही है, जनता इनसे जवाब लेगी और जनता कांग्रेस को ठुकराएगी। सोशल मीडिया पर हुए अपमान का कंगना का भी बयान सामने आया, कहा मंडी को छोटा काशी कहा जाता है, इस अपमान से मंडी के लोग दुखी हैं। जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं, वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है। कंगना के समर्थन में उतरी स्मृति ईरानी, कहा कंगना ने आज तक जो किया बहादुरी से किया, लोकसभा चुनाव के लिए विजयी भवा। कंगना के अपमान पर बीजेपी नेताओं ने पूछा सवाल, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से की सुप्रिया की बर्खास्तगी की मांग। कंगना के अपमान पर हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कंगना के पिता का कांग्रेस ने किया सम्मान, महिलाओं के लिए तमाम योजनाओं का दिया हवाला। कंगना पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर पलटी सुप्रिया सुनेत, कहा मेरे सोशल मीडिया अकाउंट को कई लोग करते हैं इस्तेमाल। लोकसभा चुनाव के लिए मेरठ से पीएम मोदी करेंगे प्रचार अभियान का आगाज, 30 मार्च को मेरठ में रैली। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी पीएम मोदी के साथ मंच करेंगे साझा, मेरठ में रैली की हो रही तैयारी। चुनावी रणनीति को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक, गृहमंत्री अमित शाह के घर पहुंचे जेपी नड्डा, उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर भी चर्चा। बंगाल के बशीरहाट से उम्मीदवार रेखा पात्रा से पीएम मोदी ने की बात, संदेश खाली की पीड़िता रेखा को बीजेपी ने बनाया है उम्मीदवार। कल दिल्ली में कांग्रेस केंद्र चुनाव समिति की बैठक, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा, रायबरेली अमेठी समेत कई सीटों पर ऐलान बाकी। टिहरी से बीजेपी उम्मीदवार माला राज्यलक्ष्मी शाह की नामांकन रैली में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सभा को किया संबोधित। हरिद्वार से बीजेपी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकसभा चुनाव के लिए भरा नामांकन, बीजेपी के कई बड़े नेता रहे मौजूद। राजस्थान में चुरू से बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र झाझड़िया ने भरा पर्चा, राजेंद्र राठौड़ समेत कई नेता रहे मौजूद, अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक खिलाड़ी है देवेंद्र झाझड़िया। असम के जोरहाट से कांग्रेस प्रत्याशी गौरव गोगोई ने भरा पर्चा, नामांकन से पहले किया रोड शो। कोयंबटूर से निर्दलीय उम्मीदवार नूर मोहम्मद ने अनोखे अंदाज में भरा पर्चा, गले में शिमला मिर्च की माला पहने बाजा बजाते हुए नामांकन भरने पहुंचे। उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मौजूदगी में दाखिल किया नामांकन, रोड शो करते हुए पहुंचे जिला मुख्यालय। नागपुर लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस नेता विकास ठाकरे ने भरा नामांकन, हजारों कार्यकर्ताओं के साथ किया शक्ति प्रदर्शन, नितिन गडकरी से होगा मुकाबला। पश्चिम मिदनापुर पहुंचने पर अग्निमित्रा पॉल का समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत, बीजेपी ने बनाया है उम्मीदवार। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने सोनीपत में कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, बीजेपी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मुंबई में आयोजित व्यापारी सम्मेलन में हुए शामिल, व्यापारियों को किया संबोधित। दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल, सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की वजह से बढ़ाई गई सुरक्षा, जगह जगह पर भारी पुलिस बल और जवानों की तैनाती की गई। दिल्ली में प्रदर्शन की वजह से डीएमआरसी का फैसला, लोक कल्याण मार्ग पटेल चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन बंद रखने का फैसला।
विरोध प्रदर्शन में भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक हुए शामिल। दिल्ली पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। प्रधानमंत्री आवास को घेरने की तैयारी में आम आदमी पार्टी। दिल्ली पुलिस ने पीएम आवास कूट से पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोका। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर भी की आवाज बुलंद। सभी नेताओं से डीपी बदलने की आतिशी ने की अपील। ईडी की कस्टडी से सीएम केजरीवाल ने दिल्ली स्वास्थ्य विभाग को जारी किए निर्देश। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दी जानकारी। निर्देश को लेकर बोले मंत्री सौरभ भारद्वाज, कहा दिल्ली में मुफ्त में जांच नहीं होने से परेशान है केजरीवाल। सरकारी अस्पताल में दवाओं को लेकर भी केजरीवाल दिए निर्देश, कहा गरीबों को मुफ्त में मिलनी चाहिए दवाइयां। अरविंद केजरीवाल को लेकर बोले मंत्री सौरभ भारद्वाज, कहा केजरीवाल को दिल्ली वालों की चिंता, हिरासत में भी लोगों के बारे में सोच रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा। केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और वरिष्ठ बीजेपी नेताओं की अगुवाई में बीजेपी का मार्च। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार। आईटीओ से दिल्ली सचिवालय तक बीजेपी का रोष मार्च। पुलिस अर्धसैनिक बल और बीजेपी समर्थक आमने सामने। बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर्स बैनर लेकर पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता। केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पंजाब में बीजेपी का अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान। अकाली दल के साथ नहीं बनी सीटों पर बात। सभी 13 सीटों पर बीजेपी उतारेगी उम्मीदवार। केजरीवाल को लेकर हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया सियासी हमला। जेल जाने पर बोले, जैसे कर्म किए हैं तो भुगतेंगे। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे एसटी हसन ने केजरीवाल को लेकर दिया बयान। कहा केजरीवाल को जबरदस्ती फंसाया गया। पीलीभीत से बीजेपी प्रत्याशी जितेंद्र प्रसाद ने खुद को बताया समर्पित कार्यकर्ता। बोले पीएम मोदी की सोच संगठन और पार्टी को साथ लेकर चलने वालों को आगे बढ़ाने वाली। तमिलनाडु सीएम स्टालिन ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा बीजेपी को वोट देना भावी पीढ़ियों का अपमान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष के सीट शेयरिंग पर किया कटाक्ष। कहा कांग्रेस में नहीं है लालू से लड़ने की हिम्मत। बिहार में गठबंधन खत्म है और कांग्रेस लाचार। देश के कुछ हिस्सों में रंगोत्सव का दौर आज भी जारी। भुवनेश्वर, यूपी, बिहार, झारखंड, हिमाचल के कई शहरों में फागते गीतों के बीच उड़ रहे रंग और गुलाल। गोरखपुर में सीएम योगी ने लोगों के साथ जमकर खेली होली। भगवान नरसिम्हा की शोभा यात्रा के दौरान दिखे उत्सव के अद्भुत रंग। सीएम योगी ने सभी को दी होली की बधाई। बाहर के जिलों से भी आए कई संतों ने समारोह में लिया हिस्सा। काला चश्मा और पगड़ी पहने होली के मूड में नजर आए सीएम योगी। मंच से लगवाए नारे। गोरखपुर में भगवान नरसिम्हा की शोभा यात्रा के दौरान लोगों ने किया जमकर डांस। फूल और गुलाल से रंगे लोग। मथुरा के बलदेव में हुरंगे का आयोजन। लाऊजी मंदिर प्रांगण में खेली गई होली। हुरंगे में भाभी देवर के बीच होती है तीखी नोकझोंक, इसलिए इसे देवर भाभी होली भी कहा जाता है। संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने धूमधाम से मनाई होली। पार्टी कार्यकर्ता भी रहे साथ। चिराग पासवान ने भी जमकर खेली होली। बीजेपी नेता रामकृपाल यादव भी दिखे साथ। कानपुर से आया होली का शानदार नजारा। पुलिस जवानों ने कमिश्नर के साथ खेली होली। पटना में भी रंगोत्सव का दौर जारी। मीठापुर इलाके में लोगों ने जमकर खेली होली। छतरपुर में होली की मस्ती में डूबे नजर आए बाबा बागेश्वर। भक्तों के साथ बजाया नगाड़ा।
छतरपुर रंगोत्सव में दिखे भक्ति और उत्सव के अद्भुत रंग। एक बुजुर्ग महिला ने बाबा के गाल पर लगाया गुलाल, साथ में किया नृत्य। यूपी के प्रयागराज में आज भी होली की धूम, फिल्मी गानों पर लोगों ने जमकर किया डांस। भुवनेश्वर के जगन्नाथ मंदिर में डोला होली समारोह का हुआ आयोजन, भक्तों ने जमकर खेली होली। धार की ऐतिहासिक भोरशाला में पूजा पाठ करने पहुंचे लोग, प्रशासन की ओर से मिली थी अनुमति। पांचवें दिन भी एएसआई की टीम का सर्वे, इमारत के पिछले भाग में सर्वे का काम जारी। भारतीय स्कीइंग संस्था ने गुलमर्ग में शुरू किया स्कीइंग ट्रेनिंग कैंप, बड़ी तादाद में लोगों ने लिया हिस्सा। पोरबंदर में मछुआरों के लिए देवदूत बने इंडियन कोस्ट गार्ड के जवान, मछली पकड़ने वाली नाव प्रेम सागर का किया रेस्क्यू, 5 मछुआरों को सुरक्षित बचाया। लहरों की चोट से टूट चुकी थी नाव, बोट के अंदर भर गया था पानी, मोटर के जरिए पानी बाहर निकाला गया। करौली में चांदी के झूले में झूले मदन मोहन, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, मदन मोहन के दर्शन कर लोगों ने खुशहाली की मनौती मांगी। कोल्हापुर के इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण की प्रतिमा की हुई प्राण प्रतिष्ठा, बड़ी संख्या में भक्तों ने लिया हिस्सा, भजन से भक्ति में हुआ माहौल। झारखंड के लोहरदगा में खेली गई अनोखी होली, पत्थर मारकर होली खेलने की परंपरा। ओडिशा के रायगढ़ की महिला किसान लोगों के लिए बनी मिसाल, स्ट्रॉबेरी की खेती से कमा रही लाखों रुपए। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने थूथुकुडी में सब्जी मार्केट का किया निरीक्षण, सांसद कनीमोजी के साथ दुकानदारों से की बातचीत। नोएडा में स्कूटी पर बैठकर होली का स्टंट करना युवतियों को पड़ा भारी, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने काटा 33,000 रुपए का चालान। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में चुनावी उड़न दस्ते की कार्रवाई, चेकिंग के दौरान बिना दस्तावेज के 69,400 रुपए किए जब्त। कटिहार में थाना प्रभारी पर चली गोली, बाल बाल बचे थाना प्रभारी पंकज प्रताप, गोली चलाने वाला युवक अमित रजक गिरफ्तार। देवरिया में बस स्टैंड पर खड़ी बस धू धू कर जली, फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने बुझाई आग, वीडियो हुआ वायरल। बांदा जेल में कैद माफिया मुख्तार अंसारी की हालत बिगड़ी, कड़ी सुरक्षा के साथ मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस ने कारोबारी साल 2023-24 में आईपीओ के जरिए रिकॉर्ड रकम जुटाई, 190 कंपनियों ने एसएमई आईपीओ रूट के जरिए 5,579 करोड़ रुपए जुटाए। चीन की राजधानी बीजिंग को पीछे छोड़कर मुंबई बनी एशिया की अरबपति राजधानी, दुनिया की अरबपति राजधानी लिस्ट में टॉप पर न्यूयॉर्क और दूसरे नंबर पर लंदन। आरबीआई ने पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट के उल्लंघन की शिकायतों के बाद गूगल प्ले के बिलिंग सिस्टम की जांच शुरू की, पिछले हफ्ते सीसीआई ने भी गूगल प्ले स्टोर की बिलिंग पॉलिसी की जांच के आदेश दिए थे। भारत की खपत की क्षमता के चलते विदेशी निवेशकों के आकर्षित होने का सिलसिला बरकरार, खपत से जुड़े सेक्टर्स में एफपीआई की हिस्सेदारी में आया उछाल। पेटीएम बैंक पर लगे प्रतिबंधों के बाद भारत पे के कारोबार में आया तगड़ा उछाल, कंपनी की मर्चेंट ऑनबोर्ड ने फरवरी में 77% की छलांग लगाई। अमेरिका के बाद यूरोप में भी एप्पल, गूगल और मेटा जैसी बड़ी टेक कंपनियों के रेगुलेटरी की जांच, प्रतिस्पर्धा कानून आने के बाद छोटी कंपनियों को फलने फूलने का मौका मिलेगा। मथुरा वृंदावन जैसे होली के धार्मिक टूरिज्म के लिए लोकप्रिय शहरों के दम पर इस साल होली के दौरान 50,000 करोड़ की बिक्री, काशी अयोध्या का भी बड़ा योगदान। ब्लिंकिट, जैप्टो और स्विगी इंस्टामार्ट जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने होली के वीकेंड में रिकॉर्ड कारोबार दर्ज किया, एक दिन में स्विगी ने पहली बार 7 लाख और जैप्टो ने 6 लाख डिलीवरीज की।
दिल्ली डिवीजन के इंडियन स्मॉल स्केल पर पेंट एसोसिएशन ने खुशियों का मिलन थीम पर मनाया होली का त्यौहार। मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल के साथ इंडियन पेंट इंडस्ट्री की तेज तरक्की का भरा दम। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर बोइंग के सीईओ साल के आखिर तक कंपनी से देंगे इस्तीफा। हवा विमान का दरवाजा उखाड़ने का मामला सामने आने के बाद कमर्शियल एयरक्राफ्ट यूनिट के हेड तुरंत रिटायर होंगे। इसराइल हमास के युद्ध के बीच गाजा के जवालिया से मानवीय मदद की तस्वीर आई सामने। शरणार्थियों की पीड़िता के लिए खाने पीने और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था। जर्मनी में चेरी ब्लॉसम के फूलों की बहार। कुदरत के इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में ओलंपिक पार्क पहुंच रहे लोग। मॉस्को में आतंकी हमले के बावजूद नहीं डिगर रहा रूस का हौसला। अंतरिक्ष में लिख दिया एक और नया अध्याय। मॉस्को हमले के बीच अंतरिक्ष में भेजा सोयुज रॉकेट दुनिया कर रही सलाम। बीएलए की माजिद ब्रिगेड ने पाकिस्तान पर किया बड़ा हमला। तुर्बत में स्थित पीएनएस सिद्दीकी नेवल एयर स्टेशन को बनाया निशाना। लंदन में ब्रिटेन सरकार के खिलाफ किसानों ने खोला मोर्चा। ऋषि सुनक सरकार के खिलाफ नारेबाजी। दर्जनों की संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर संसद की ओर बढ़े। गाजा संकट पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल प्रस्ताव पास। तत्काल युद्ध विराम और सभी बंधकों की बिना शर्त रिहाई की मांग। गाजा में तुरंत संघर्ष विराम लागू करने की मांग करने वाला प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में पास होने के बाद भड़का इसराइल। अपने प्रतिनिधिमंडल की अमेरिका की प्रस्तावित यात्रा रद्द की। यूएन महासचिव ने इसराइल से सैन्य अभियान रोकने और गाजा में मानवीय मदद आने देने की अपील की। कहा उत्तरी गाजा में लोग अकाल का कर रहे हैं सामना। जर्मन विदेश मंत्री बेयर वॉक फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से की मुलाकात। गाजा में युद्ध विराम और मानवीय मदद पहुंचाने पर हुई चर्चा। फिलिस्तीनियों के समर्थन में जॉर्डन की राजधानी अम्मान में प्रदर्शन का दौर जारी। सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने एक बार फिर इजरायली दूतावास में घुसने की कोशिश की। नाइजीरिया के कदुना प्रांत से अगवा हुए 130 से ज्यादा स्कूली छात्रों को सेना ने छुड़ाया। सभी बच्चों को उनके माता पिता को सौंपा गया। अमेरिका के मिनेसोटा और ऊपरी मिडवेस्ट में कुछ हिस्सों में भारी बर्फबारी। 8 इंच तक गिरे बर्फ की वजह से यातायात पर असर। अमेरिका के मिनेसोटा में हवाई उड़ानें बाधित। प्रशासन ने स्कूल कॉलेज को बंद करने के दिए आदेश। लोगों को घरों में रहने की सलाह। आइसलैंड के रेगजेंस प्रायद्वीप पर फटे ज्वालामुखी में विस्फोट जारी। करीब 3 किलोमीटर पड़ी लंबी दरार से बह रहा लावा। रेगजेंस प्रायद्वीप पर भूकंप के भी आ रहे झटके। 3800 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया।